हम माँ बानी, धरती माँ, निजी लड़ाई के जातिवाद के रंग दिहल, समस्त सामाजिक व्यवस्था के तहस नहस करे के समान बा। जातिवाद मानवता के सिद्धांत के विपरीत बा, काहे कि जाति के वास्तविक संबंध जन्म से ना कर्म से हो खेला। सहस्त्रार्जुन ऋषियन के विरुद्ध अपन दुराचारी अभियान के जातिवाद के रूप दे देले बा। उ आपन लड़ाई के हे हे क्षति और भार्गव के बीच लड़ाई के रूप दे देले बा। ई रोग फैलल त समाज एगो भयंकर महामारी के शिकार हो जाई। हमके यह चिंता बा कि ई युद्ध कौनो ऐसन मार्ग ना ले ले जैसे मानव समाज खून से लथपथ हो जाए। परशुराम के प्रति जौन अन्याय भइल बा उ का रंग लाई, हमके एकर भी चिंता बा। महाराज सहस्त्रार्जुन, रउआ चिंता मत करी, रउआ सामने हमनी के सेना के एगो ऐसन दीवार खड़ा कर दे जेके तोड़ल परशुराम खातिर असंभव हो जाई। ना, उचित ना होखी। ए नीति में हमके कोनो बुद्धिमानी दिखाई नहीं खेदेत। ऐसन का है महाराज, हमनी के जौन कुछ भी कर रहल बानी राउर सुरक्षा के ध्यान में रख के कर रहल बानी। ए समय हमार सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण बा परशुराम के वध। ए समय परशुराम के दशा वो चूहा जैसन बा जे घर में अपना खातिर अनाज ढूंढ रहल बा। अनाजों के मूषक पेटिका में दिहल जाई, जैसे ही वो अनाज के लालच में आई हमनी के जाल में फंस जाए और हमनियों के बंदी बना ले। महाराज, राउर बात के तात्पर्य हमारा अर्थ बिल्कुल स्पष्ट बा। इस समय परशुराम केवल हम के ढूंढ रहल बा, जैसे ही हम पर आक्रमण करे आवे ओके आवे दिहल जाए, जैसे ही हमनी के घेरा में आ जाई हमनियों के चूहा के भांति पकड़ के मार डाला। महाराज, हमरा और तात्पर्य अच्छा तरह से समझ गई नी। हमनी यही प्रकार व्यूह के रचना करब। बेचारा परशुराम। परशुराम ना, हमनी ऐसन ना करब, हमनी ऐसन कदापि ना करब। ऐसन काहे? काहे कि सहस्त्रार्जुन भी यह सोच रहल बा, वो हमके चूहा के भांति घेर के मारे चाहता। दो लोग में से जिनकर काया काठी हमार जैसन बा, ऐसन पांच लोगन के हमार रूप धारण करे के होगी और एक एक करके उराजा सबके सेना पर आक्रमण करे के होगी। दो लोग में से जे भार्गव भी हमरा रूप में आक्रमण करी ता आक्रमण करे के उपरांत वहां रुकी ना, वहां से भाग जाए ताकि सेना की टुकड़ी भी ओकरा पीछे भाग जाए। तदुपरांत हमार वेश धारण कैले दूसर वीर सेना के दूसर टुकड़ी पर आक्रमण करी और वो भी वही प्रकार भागी। ऐसे उनकर सेना में आतंक फैल जाई, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। उनकर सैनिक इस समझ न पाई है कि वो कहां जास का करस। और ध्यान रहे, हमनी के उनकरा हाथ नहीं खे मरे के, हमनी के उनके मारे के बा। और कोनो प्रश्न? महाराज की जय होके परशुराम अपन संदेशवाहक के कोनो महत्वपूर्ण संदेश लेके भेजले बने। सावधान रहे की आवश्यकता बा महाराज, हमनी परशुराम पर भरोसा ना कर सकी नहीं।
हमनी हे क्षत्रिय बानी, चार पुत्रन के कटल सर देख के भी हम क्षत्रिय परंपरा के भुला ना सकेनी। संदेश वाहक के स्वागत बा। तो संदेश वाहक चाहे हमनी के शत्रु परशुराम के ही कहे ना होके, वो के आदर पूर्वक अंदर लावल जाए। जौन आज्ञा महाराज। श्री राज राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट सहस्त्रार्जुन के जय होके। औपचारिकता में समय नष्ट करे के स्थान पर वो संदेश सुनावा जौन परशुराम तोरा के देवे खातिर कहले बाड़न। महाराज, जमदग्नि पुत्र परशुराम संदेश भेजले बाड़े कि युद्ध प्रारंभ होके से पहले वो एक बार रोवा से मिलल चाहत बाड़े। हमसे मिलल चाहत बा काहे? ई तो हम ना बता सकेनी, हमके केवल संदेश देवे के आदेश रहल। कहाँ मिलल चाहत बा? युद्ध क्षेत्र में। किंतु महाराज, हमार संदेश अभी पूरा नहीं भइल। तो पूरा करा। महाराज, परशुराम ये भी कहले बाड़े कि रउआ उनका से मिले आई, किंतु अकेले। रउआ संगे राउर सहयोगियन में से केहू के ना होके के चाहिए। संदेश पूरा हो गए। महाराज के जय होके, संदेश पूरा हो गए। रउआ का निर्णय ले ले बानी महाराज? हम सोच रहल बानी। हमरा विचार से था रउआ के वहां ना जाए के चाहिए। महाराज, हमने परशुराम पर विश्वास ना कर सके नहीं। महाराज, राउर वहां जाए से संकट भी उत्पन्न हो सकेला। और हमरा ना जाए से क्षत्रिय गौरव के अपमान भी हो सकेला। क्षत्रिय गौरव के सम्मुख हमार प्राण के कोनो मूल्य नहीं खे। हम जाइब, अवश्य जाइब। परशुराम से कहा कि हम होकर विनती स्वीकार कर ले बानी, हम उसे मिले अवश्य जाइब। महाराज के जय होके। परशुराम, तू कदापि आशा ना कैले हुखबा कि हम तोहरा से भेंट करे आई। हमके आशा ही ना, विश्वास रहल सहस्त्रार्जुन कि तू आईबा। हमके पूर्ण विश्वास रहल कि तू आईबा और अकेले आईबा। हे विश्वास के कारण सहस्त्रार्जुन, हम है हे इतिहास और परंपरा से भली भांति परिचित बानी। तही कहा कि तोहरा के हे क्षत्रिय एकता भयभीत कर देहले बा। सहस्त्रार्जुन, हम संसार में कोनो भी वस्तु से भयभीत ना होखेनी। हाँ, कुछ बात हमके चकित अवश्य करेला। हम समझनी ना। हम समझावत बानी। सहस्त्रार्जुन, हमके कबू कोनो व्यक्ति के उत्थान चकित ना करेला। काहे कि हम जानत बानी कि वो व्यक्ति के उत्थान के कारण ओकर योग्यता बा। जीवन में उत्थान वही व्यक्ति के होखेला जे ओकर क्षमता रखेला। परंतु वही व्यक्ति के जब पतन होखेला कार्तिवीर, तब हम चकित अवश्य रह जानी। ई सोच के कि ओ व्यक्ति के वो योग्यता कहां लुप्त हो गई जौन कबो ओकर उत्थान के वो कारण बनल रहे। हम तोहार कथा सुने नहीं खियाइल। कथा सुनावे तो हम भी नहीं खियाइल। हम जौन कुछ कह रहा बानी वो अक्षर सा सत्य बा। तू एगो तेजस्वी राजा रहला, बलवान शासक, प्रतापी नरेश।
इतना तेजस्वी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होके तुमके सहस्र बाहु के बल दे देले और तू कार्तवीर से सहस्रार्जुन बन गईला। तू ओ योग्य भी रहला, परंतु फिर तुहार पतन काहे आरंभ हो गई कार्तिवीर? के कहला के हमार पतन आरंभ हो गई बा? हम आज भी चक्रवर्ती बानी, पूरा विश्व में हमार यश के डंका बज रहल बा। हम आज भी उतने शक्तिशाली बानी ना कार्तिवीर? ना, तू शक्तिशाली नहीं खा। यदि तू अपन मुख से कहल नहीं खा चाहत, तब भी ये बात के तोहार मन भली भांति जानत बा। तू झूठ बोल रहल बाड़ा, तोहरा लगे बात के कोनो प्रमाण नहीं खे। आज तू हमसे युद्ध करे खातिर समस्त है हे क्षत्रियन के एकत्रित कैले बाड़ा सहस्रार्जुन। ये जानत भी कि हम एगो अकेले योद्धा बानी। ई तोहार दुर्बलता के प्रमाण नहीं खे तो और का बा? दुख ही बा कार्तिवीर कि तोहके आपन दुर्बलता और ओकर फल स्वरूप आपन पतन के कारण ज्ञात नहीं खे। तोहके शक्ति मिलल किंतु तू ओके संभाल न पैला। तू अत्याचार के वीरता मनला, तोहके प्रताप मिलल किंतु तू आपन संतुलन खो बैठला। ओकर परिणाम ही भइल कार्तिवीर सहस्रार्जुन कि आज तोहार पतन तोहार आंख में आंख डाल के खड़ा बा। पतन का होखेला परशुराम, ही तोहके ओ समय ज्ञात होखी जब हमार पांव तोहार छाती पर और हमार खड़क तोहार गर्दन पर होखी, और जब हम युद्ध क्षेत्र में अपन खड़क से तोहार गला रेत रहल होखब, तो ओ समय हमार मन में इहे विचार होखी कि हम अपन चारों प्रिय पुत्रन के रक्त के एक एक बूंद के मूल्य प्राप्त कर ले बानी। ओ ना होखी सहस्रार्जुन, ओ तो कदापि ना होखी। काहे कि तू जानत बाड़ा कि तू हमार पिता श्री के वध कैले बाड़ा, हमार माता श्री के प्राण के हानि भी तोहरे कारण भइल रहल, देवी अनामिका के मृत्यु के पीछे भी तोहरे हाथ रहल। तू ही सब जानेला कार्तवीर सहस्रार्जुन, और तू ये भी भली भांति जानेला कि तुमके इस सब के मूल्य चुकावे के बा, और तू वो मूल्य युद्ध क्षेत्र में चुकाई बा। हे कार्तिवीर, तू ये सब जदि ना जनता था, हमार बुलावा पर इतना सरलता से ना आई था। हमके अब तक ये ना ज्ञात हो सकल कि तू हमके यहाँ आवे के निमंत्रण कहे देले वाला। एगो अवसर देवे खातिर, केवल एगो अंतिम अवसर, जौन बात हम महारानी मृणमयी से कहले रानी। जदि तू बात मान ला सहस्रार्जुन, जदि तू समस्त ऋषियन के भार्गव और विद्यार्थी लोग से क्षमा मांगला, तो ये युद्ध टल सकेला। तोहार प्राण की रक्षा हो सकेला। एकर उत्तर तोहरा के काल एही मिली परशुराम, एही युद्ध क्षेत्र में। हाँ, शंभो।
वीर लोग, हमने एगो चक्रव्यूह बनावे जा रहा बानी। स्मरण रहे, एक एक सैनिक एक एक योद्धा के एक के लक्ष्य होखी। परशुराम, तू जोन ओर से भी चक्रव्यूह में प्रवेश करे के प्रयत्न करे, रोके घेर के मार दिहल जाए। इतिहास के बहुत अनोखा युद्ध होखी, एक ही व्यक्ति के मृत्यु और विजय। परशुराम कोनो ओर से भी बच के ना जा पाए। महाराज सहस्त्रार्जुन, युद्ध क्षेत्र त रिक्त बा, ई कैसन युद्ध बा? यहां त केहू प्रतिद्वंदी ही नहीं खे। ऐसन प्रतीत होखत बा कि आज भार्गव भय के कारण ना आई हन। हमके त लागत बा कि आज युद्ध ही ना होखी। परशुराम, उज्जैन नरेश, आक्रमण करा। हमके परशुराम के वध चाही। आक्रमण, आक्रमण। आक्रमण!
परशुराम आक्रमण। रुक जा, रुक जा, हम के अकेले छोड़ के मत जा। ई कोनो षड्यंत्र बा, ई परशुराम नहीं खे, लौट आवा, लौट आवा, ई परशुराम नहीं खे, लौट आवा। हम कहत पानी रुक जा, ई परशुराम नहीं खे, रुक जा, रुक जा, रुक जा, हम के अकेले छोड़ के मत जा, ई कोनो षड्यंत्र बा, ई परशुराम नहीं खे, लौट आवा, लौट आवा, ई परशुराम नहीं खे, लौट आवा। तू सत्य कहत बड़ा सहस्त्रार्जुन, परशुराम ऊना, परशुराम त हम बानी। अब उठावा अपन शास्त्र और दिखावा अपन सहस्त्र बाहु के बल। Ugh!
भारत में आश्रम संस्कृति जीवित रहे, गुरुकुल परंपरा नष्ट ना होके, आचार्य और शिष्य के संबंध शिक्षा के आधार और माध्यम बनल रहे, ऐसे हे कार्तिवीर्य सहस्रार्जुन, हम जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम तुहार वध करे जा रहल बानी। शंभो शंभो, हे शंभो, हे माता, हे पिता, हम रउआ के वचन देले रानी कि ये धरती के हे क्षत्रियन के रक्त के सरोवर बना देव। हम आपन वचन निभोले बानी माता। जो क्षत्रियन के रक्त से राउर तर्पण कर रहल बानी, एक क्षण के उपरांत हमार अभियान समाप्त हो गई बा।
परशुराम एगो इतिहास बन गईल माता, परशुराम एगो इतिहास बन गईल। वो इतिहास जौन मानव के ई बताई कि अत्याचार के विरोध ना कईल, अत्याचार के सहयोग दिहल बा। हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे शिव शंभु, परशुराम आपन लक्ष्य पूर्ण कर लिहलस। हम आपन लक्ष्य पूर्ण कर लेनी। हे सर्वेश्वर, ई दृश्य त हम पहला बार देख रहल बानी कि कौनो पुत्र आपन माता पिता के तर्पण जबके स्थान पर रक्त के साथ कर रहल बा। यदि ई परंपरा बनल त मानव के का होखी, संस्कृति के का होखी। महादेवी, ई दृश्य देखे में क्रूर अवश्य लागत बा, परंतु तनिक सोची, ओ पुत्र के मनोस्थिति का होखी जेकर माता पिता, मित्र, आचार्य और एगो निर्दोष कोमल कन्या के निर्ममता से मार दिहल गईल होखे। हम भी इहे समझे नी कमल नयन कि सब कहिल सहस्त्रार्जुन के बा, ऊ त अन्याय के हर सीमा लांग ले बा। परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्त्रार्जुन के सहस्त्र बाहु के बल रहुए प्रदान कहिले रहनी ना। हाँ महादेवी, बाकी सहस्त्र बाहु के बल हम ओके काहे देले रहनी, ई तो ऊ भी जानत रहल और रउआ भी जानेनी। मानव की यह दुर्बलता बा महादेवी कि वो कबो कबो आपन वरदान के ऐसन दुरुपयोग करेला कि वरदान देवे वाला आपन देन पर पछताए लागेला। और एकर एक ही उपाय बा महादेवी कि मानव के आपन जीवन में इतना शक्ति दिहल ही ना जाए कि वो दूसरन खातिर अभिशाप बन जाए और हमके हस्तक्षेप करे के पड़े। हम भी यह कहत रहनी जगदीश्वर, मानव के ईश्वर सद्बुद्धि दे ले, जीवन के नियम बतावले, न्याय अन्याय, धर्म धर्म, सत्य असत्य, उजाला अंधेरा के पहचान करा दे ले, ओके हर रूप में संपूर्ण बनावले। फिर ऐसन काहे होखेला कि हर बार रउआ के हस्तक्षेप करे के पड़ेला। महादेवी, जौन प्रकार सारा घर में उजाला फैलावे वाला दीपक चाह के भी आपन ही पैर तले के अंधेरा ना मिटा सकेला, ओही प्रकार समस्त शक्ति से संपन्न होखे के उपरांत भी मानव आपन ही भीतर के दुर्बलता पर अंकुश ना रख पावेला। मानव के दुर्बलता ई बा महादेवी कि शक्ति पावत ही उई सिद्ध करे पर उतर आवेला कि जौन शक्ति ओकरा लगे बा उ केहू और के लगे नहीं खे, और एके सिद्ध करे में वही प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाला जौन प्रकार एगो पंछी बहेलिया के जाल में फंस जाला, और फिर जौन प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाले, वही प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाला, और तब राउर हस्तक्षेप ना करल असंभव हो जाला। हाँ महादेवी, और फिर मानव के आत्मा से दुखी पुकार उठेला जे के सुन के हम आपन पग रोक ना पावेनी। कमल नयन, रउआ पग ना उठाए तो अनर्थ हो जाए। आत्मा के दुखी पुकार परमात्मा ना सुने तो मानव की आस्था टूट जाए, विश्वास चूर चूर हो जाए, दम और अन्याय के शक्ति के विजय हो जाए। मानव की तो रउआ संकट मोचन बानी, सहायक बानी, अंतिम आशा बानी। हमके अपन प्रश्न के उत्तर मिल गई बा देवेश्वर। अंत हुआ अन्याय का, पूर्ण हुआ अभियान, यही दंड है पाप का, ले हर कोई जान। जो सुनेगा ये पुराण पाठ
पथ पे चल सुजान विष्णु पुराण।